लखनऊ से खबर है जहां एक मजदूर के गोली लगने का मामला सामने आया है। जहां पर मजदूर गंभीर तौर पर जख्मी हुआ, मजदूर को किसने गोली मारी है, कैसे मारी है, ये अब तक रहस्य बरकरार है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। रात के अंधेरे में पुलिस की टीम जो पहुंची है राजधानी लखनऊ के विभूति खंड इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग में, जहां एक मजदूर गोली लगने से घायल हो गया, जिसे लोहिया हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसे KGMU के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। मजदूर को कैसे गोली लगी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। 8:30 बजे करीब की घटना है। यहाँ पे ऊपर लेबर काम कर रहा थर्ड फ्लोर पे, और उसके अचानक गोली लग गई। वो जब गिर गया तो उसने आवाज़ लगाई है, तो 4-5 लेबर ऊपर गए हैं, उसको उठा के जब नीचे ले गए हैं मेन गेट पे, तो मैंने जब उनको लेबरों से पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया हमको कि गोली लग गई है, मुझे उन्हीं से जानकारी हुई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। माना जा रहा है कि निर्माणाधीन बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट है जिसकी छत पर एक पार्टी चल रही थी, शायद वहीं से हर्ष फायरिंग के दौरान गोली चली होगी। जो उसके साथी थे वो लेकर के उसको मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर गए हैं, तो वहाँ भी हमारे लोग हैं, उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। और सर क्या कुछ हर्ष फायरिंग दिखाई दे रही है, वो सामने पार्टी चल रही है? नहीं, वो जो सामने होटल है तो काफ़ी दूर है, और हर्ष फायरिंग जैसी कोई बात नहीं, उसको हम लोग हर पहलू पर देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। हर्ष फायरिंग के अलावा पुलिस हर एंगल पर गौर कर रही है और CCTV फुटेज भी खंगाल रही है ताकि गोली चलने की घटना का खुलासा हो सके। अबू दुजाना, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।